आओ आई इज इक्वल टू कॉस एक्स अपॉन में वन प्लस कॉस एक्स जी एक्स, कैसे करूं? टू कॉस पर एक्स बाय टू लगा बेटा, रख कर लगाओ लगाओ लगाओ, बड़े मजेदार है, देखते हैं। मल्टीपल वेज आर देयर, कुंवर आपसे पूछता बेटा क्या कर सकता हूं? प्राची आप बताइए बेटा क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा लाउड। वन प्लस कॉस को कन्वर्ट कर लेंगे और कैसे? अच्छा चलो एक मिनट, बच्चन का वन प्लस कॉस को कन्वर्ट कर लो, कर दिया बेटा। लो कॉस एक्स अपॉन में ये क्या हो जाएगा, टू कॉस पर एक्स बाय टू, लो लिख दिया। और बताओ, दोबारा बिल्कुल देखो क्या कर सकता हूं मैं, कॉस टू एक्स का फॉर्मूला यहाँ पे आते क्या होता है सांची, सुनाना कॉस टू एक्स का, क्यों नहीं लर्न कर अभी तक बेटा? नए बच्चे इसलिए ज्यादा डांट नहीं रहा, पर इसका मतलब नहीं कि डांटनी पड़ेगी। कॉस टू थीटा मेरे बच्चा, कॉस टू थीटा कहां गया? ये रहा, ये रहे इतने सारे फॉर्मूले, वो चार फॉर्मूले वाला। कॉस टू थीटा क्या होता है, टू कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू माइनस वन, एक ही ऑप्शन है मेरे पास। दूसरी ऑप्शन क्या है एकाग्र, दूसरी ऑप्शन? यस, कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय टू। तीसरी ऑप्शन वन माइनस,
तो cos x माइनस cos स्क्वायर x अपॉन में sin स्क्वायर है, ठीक है, cos बाय sin क्या लिख सकते हो इसे, cos x cot x राइट, माइनस cot स्क्वायर x, cot स्क्वायर को कैसे सॉल्व करते हैं बेटा, cot स्क्वायर को कैसे सॉल्व करते हैं, cos x square x minus 1, अब बात समझ आई, ठीक है, गलत ध्यान नहीं था किसी का बेटा, ब्रैकेट आना चाहिए था, जब मैंने यहां वैल्यू रिप्लेस करी तो ब्रैकेट आना चाहिए था, क्लियर, ये पॉइंट है आपका, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, पर ये क्वेश्चन आपको दूंगा पहले ट्राई करने के लिए, तो सॉल्व तो आप अपने पढ़ लोगे, क्वेश्चन 11 इज cos की पावर 4 2x, इसका इंटीग्रेशन करना है, टाइम भी दूंगा, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, प्राची एक बार आप बताइए कैसे हो सकता है, आई एम ऑडिबल प्राची, ओके यस, नो आइडिया, वो तो बहुत कॉम्प्लीकेट हो गया, सिर्फ पावर फोर पहुंचेगी, पावर फोर तो सॉल्व करना मुश्किल है, तो फिर पावर फोर को या तो ब्रेक, कैन आई राइट cos स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर, यस और नो, अब cos स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है बेटा, 1 माइनस sin स्क्वायर x, वाह, cos स्क्वायर का इंटीग्रेशन का भाई पावर 2 है, लीनियर में लाओ, वन प्लस कॉस एक्स बाय टू, बच्चा बोला कहां से सर, हम तो भूल गए सब कुछ अभी से ही, मैंने कहा अभी से हाल है तो बुढ़ापे में क्या होगा सर, इससे ज्यादा बुरा, याद आया, यस आई कैन, ओके, आपने ये बात बोली थी बट पेको ऑडिबल नहीं थे आप, ठीक है, कॉस टू थीटा याद है फॉर्मूला, दोबारा बता रहा हूँ, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, इधर शिफ्ट करा, वन प्लस कॉस टू थीटा, ठीक है, क्या हो जाएगा, टू कॉस स्क्वायर थीटा, अब टू को क्या करूं यहां डिवाइड में, राइट, इसी तरह ये क्या बन जाएगा हमारा, आई इजिकल्स टू वन प्लस कॉस वॉट 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 क्या लिखूंगा, फोर एक्स अपॉन में टू का होल स्क्वायर, राइट मेरे बच्चा, फिर बोलिए अब क्या करें सर, नेक्स्ट पेज पे ले जाते हैं, आई इज इक्वल्स टू वन प्लस कॉस फोर एक्स बाय टू का होल स्क्वायर डी एक्स, ओपन कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, यस थैंक यू, यहां इस बार एरर मेरे से हुआ है मेरे बच्चा, यहां आना चाहिए फोर, राइट, फोर का कर दूंगा बाहर, वन प्लस कॉस पर, अरे सर इसको अब कैसे सॉल्व करूं, अब कैसे करूं बेटा, वन का इंटीग्रेशन मेरे लिए बच्चों का खेल है, इसका इंटीग्रेशन भी बच्चों का खेल है, और इसका इंटीग्रेशन तो और भी बच्चों का खेल है, अभी तो कराए, कॉस स्क्वायर को लीनियर में फिर कन्वर्ट कर देंगे ना,
नहीं यही समझ, दोबारा यूज कर दूंगा ना अगेन, क्या कॉस स्क्वायर थीटा, आप चाहो अगर अगर आपको दिक्कत दे रहा है तो आप इसे रट लो, मैं सिंपल वर्ड बोल रहा हूँ सर, रट्टा में लगवाना लाइक नहीं करता, बट कई जगहों पर मारना भी अकलमंदी है, हर चीज को लॉजिक से समझने में लाइफ में बेकार भी हो जाता है। तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा बेटा, वन प्लस कॉस टू थीटा बाय टू, राइट मेरे बेटा, ओके कर देते इसे सॉल्व। तो वन बाय फोर तो भारी कर दिया, वन का वन इसको कर देते हैं, ये क्या बनेगा, वन प्लस कॉस एट एक्स बाय टू प्लस, इसका भी इंटीग्रेशन मिल ले, दो मिनट का खेल है, टू कॉस फोर एक्स थ्री एक्स, आओ इंटीग्रेट करते हैं, वन बाय फोर, वन का इंटीग्रेशन एक्स, अच्छा इसका क्या हो जाएगा, एक्स प्लस प्लस साइन एट एक्स बाय कॉस का इंटीग्रेशन पॉजिटिव साइन है, इंटीग्रेशन के बाद अगर सी आए तो नेगेटिव है, पॉइंट क्लियर, अभी टू इंटू एट समझ आ गया कैसे, जिसने भी बोला गलत बोला है। अब बच्चा बोला ये क्या बात हुई सर, वेट 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 सर, टू तो पूरे के नीचे है, नहीं आई समझ, आई कोई ऐसे जिसको कंफ्यूजन है तो दूसरे वे में समझाता हूँ, पक्का ओके, अपॉन टू प्लस टू कॉस फोर एक्स, इसका क्या हो जाएगा, टू साइन फोर एक्स बाय फोर, हाँ यहां लिख सकता हूं मैं प्लस सी, अभी पहले इसको सॉल्व कर दें, तो सॉल्व कर दो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एट एक्स प्लस साइन एट एक्स बाय एट बाय टू, अब क्लियर है कंफ्यूजन, नीचे वाले टर्म रेसिप्रोकल प्लस ये कैंसिल हो गया, साइन फोर एक्स बाय टू, अब लास्ट में चाहे एलसीएम करो चाहे तो मल्टीप्लाई करो, मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ सीधा, ये हो गया एक्स बाय फोर प्लस एट एक्स अपॉन में ही होगा 16, तो डायरेक्ट कर देते एट एक्स बाय 16 इंटू, ऐसे लिख देता हूँ 16 इंटू फोर प्लस साइन एट एक्स बाय 16 इंटू फोर प्लस साइन फोर एक्स बाय एट प्लस सी, राइट तो सॉल्व कर दो कितना आ जाएगा, ये एट आ जाएगा मेरा बेटा, आया एक्स बाय फोर प्लस x by 8, यहाँ तक क्लियर, सांची आपको क्लियर है मेरे बच्चा, ओके आपका नाम सांची है घर पे, साइन 8x by 64, साइन 4x by 8, plus c, इसको सॉल्व कर दो बेटा कितना हो जाएगा, 2, 3, 3x by 8, साइन 8x by 64, साइन फोर एक्स बाई एट, आई डोंट नो आंसर किस फॉर्म में रखा हुआ है पीछे बुक में, चेक इट आउट प्लीज, यही है, चलो चलो आगे, मुश्किल लगा क्वेश्चन, अभी तक इंटीग्रेशन टफ किसको लग रहा है, एनीवन, थोड़ा थोड़ा ट्रिगो वाला पार्ट है, कोई बात नहीं उसकी डबल प्रैक्टिस कर लेंगे और क्या होगा, चलो आगे, ओके कौन सा हमने क्वेश्चन करा मेरे बच्चा, 9, 11, 10 सेम होमवर्क में आएगा आपका, 12 सर ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन है सर और बहुत लेंथी भी है, ध्यान से देखना, ये साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स कैसे करूं, बहुत ही घटिया आंसर दिया बच्चे ने, का साइंस स्क्वायर से वोट निकाल देंगे, मैंने कहा मेरे प्यारे प्यारे बच्चा
साइन स्क्वायर एक्स से आपने निकाला, ठीक है, मैंने आपकी बात बड़ी करी, वन माइनस कॉस टू एक्स बाय टू, ठीक है, वन प्लस कॉस, बेटा जरा एंगल ही चेंज हो गया, एंगल सेम रहेगा तो सॉल्व भी हो सकता है, एंगल चेंज हो जाएगा सॉल्व नहीं हो सकता, और लगाओ कल और कैसे कर सकते हैं। मैं आपको एक एडवाइस करूंगा छोटी सी, आपने याद है वो केसेस बनाए, हाँ बोलिए, ऑनलाइन में आया है, क्या बात है, ये सही आंसर है, आगे उसके एक सिर्फ एक स्टेप और, उसके बाद क्वेश्चन करने हैं, बिल्कुल सही आंसर दिया है ऑनलाइन में। अच्छा अब मैं आपको एक एडवाइस करूंगा, आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन लग रहा है यार कि इसको ना थोड़ा सा याद करना पड़ रहा है, ऐसा लग रहा है कुछ क्वेश्चंस में इसके अंदर कुछ ज्यादा ही स्पेशल है, हर चीज एक तरह से रट्टा मार, उसका केस बना लो, स्पेशल केस उसको ना लिख लो अपनी जगह पे कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन लगे, फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन हो सकता है, या अभी एक आगे क्वेश्चन आएगा वो हो सकता है, जो क्वेश्चन आपको लगे कि यार ये रट्टा मारने पड़ रहे हैं हमारे को, ये एक बार में ऐसे सिमिलर क्वेश्चन, या ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, वॉट एवर यू वॉन्ट टू से, उसके केस बना लो और वो वैरायटी सारी एक साथ इकट्ठी कर लो, बहुत टाइम बचेगा उससे। मैं आपको ऐसे आगे टिप्स देता रहूंगा। साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हो बेटा, वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन वन प्लस कॉस एक्स, मेरे को ऑनलाइन में आंसर आया कि वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, बेटा इसके ऊपर कुछ लगा सकता हूँ, कैन आई राइट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फायदा ए माइनस बी ए प्लस बी, क्या बच गया, वन माइनस कॉस एक्स, कैन यू सॉल्व इट योर सेल्फ, वैसे आंसर एक लाइन का ही तो है, मैं क्या करूं, एक्स माइनस साइन एक्स प्लस सी, थर्टीन मार्केट इज इंपॉर्टेंट, I is equals to cos 2x minus cos 2 alpha upon me cos x minus cos alpha open for all online offline both कोई भी open for all है बेटा कोई भी बताना चाहे रैशनलाइज एनीवन एल्स कोई और शाबाश ट्राई करो और सोचो बॉयज मेक सम नॉइज कुछ भी नहीं हो एक अब तो शांति है चुप्पी आ गई ओपन फॉर ऑल लास्ट मौका ओके कॉस ए माइनस कॉस बी लगा दो उससे फायदा क्या होगा अगर मान लो बच्चे ने बोला कॉस ए माइनस कॉस बी मैं डायरेक्ट आंसर बता सकता हूँ कि क्या यूज होगा बट अब आपके दिमाग में तो उसे यूज जरूर करना ठीक है वो काम नहीं करेगा उसका रीजन बताने वाला हूँ कॉस ए माइनस कॉस बी कैसे इसको समझते हैं कॉस ए माइनस कॉस बी का फॉर्मूला याद है सबको मैं लिख देता हूँ कॉस ए माइनस कॉस बी माइनस टू साइन ए प्लस बी बाय टू इंटू साइन ए माइनस बी बाई टू ये फॉर्मूला है राइट ऊपर भी लगाओगे और नीचे भी ठीक है माइनस टू साइन बेटा भी आंसर नहीं बता रहा मैं पहले कह रहा हूं टू साइन ए क्या है टू एक्स प्लस टू एल्फा बाय टू साइन टू एक्स माइनस टू एल्फा बाय टू ठीक है जी तो करो जरा इस पर लगाना कॉस ए माइनस कॉस बी माइनस टू साइन एक्स प्लस एल्फा बाय टू साइन एक्स माइनस एल्फा बाय टू माइनस से माइनस कट गया ठीक है ये कितना हो जाएगा ऊपर से टू कॉमन देखो देखो अभी मत सोचना आंसर आ गया यू का साइन एक्स प्लस एल्फा साइन एक्स माइनस एल्फा वेट 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 प्रॉब्लम क्या बेटा एंगल अलग अलग है तो क्या काम करेगा मेरा ये फॉर्मूला नहीं करेगा अटक जाएगा
कर भी सकता है। अगर मैं साइन टू ले लूं, साइन टू एक्स का फॉर्मूला लगा दूं, साइन टू थीटा का मान लो यही है, टू साइन एक्स प्लस अल्फा बाय टू इंटू कॉस एक्स प्लस अल्फा बाय टू, ऐसे हो सकता है, पर उससे बहुत लेंदी जाएगा, राइट। ये मैंने ग्रीन से इसलिए लिखा कि अब देखो मैं टीचर हूँ, मेरे को प्रैक्टिस हो गई है, ठीक है, कई चीज़ें मेंटली भी कर पाते हैं, कई चीज़ें आपको रिटर्न करनी है, बट आप स्टूडेंट है, क्या आप अपने आप ऐसे चला सकते हैं मेंटली? तो उसे रिटर्न परफॉर्म पहले करना, अगर आपके दिमाग में कोई स्टेप आए ना उसे ज़रूर करना, क्योंकि वही स्टेप आपको बताएगा कि आप लोग कैपेबल हो, सॉरी रॉन्ग वर्ड, कैपेबल नहीं, आप लोगों को सही डायरेक्शन में जाना क्या है। बेसिकली हिंदी भाषा में बोलूं, गलत कदम उठाया होगा, गलत कदम रखा होगा, गलती करी होगी तो सही का पता होगा, सिर्फ सही सही पे चलते रहोगे गलती का कभी पता नहीं लगेगा, ठीक है। एक कहावत है वो रामायण में एक आता है कि सुख का एहसास करने के लिए दुखों का होना जरूरी है, आपने शायद हो सकता है सुना हो सत्संग में, तो सेम सही का आइडेंटिफाई करने के लिए गलत का पता होना जरूरी है कि गलत क्या है। लेट्स प्रोसीड, ठीक है, आगे हो जाएगा बहुत लंबा वे उसका, क्योंकि उससे कट जाएगा, टू साइन से कट जाएगा ये हमारा, ठीक है, करा दूं बस इसी से पूरा, बहुत लंबा नहीं थोड़ा सही है, चलो करा ही देते हैं इतना, इंटू टू साइन, ये मैंने करा क्या यहाँ पर, पहले बता दूं, यहाँ साइन टू थीटा वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, फॉर्मूला याद है क्या होता है, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, एंगल हाफ ऑफ हो जाएगा। ऑनलाइन में कैमरा ऑफ चल रहा है, x माइनस अल्फा बाई टू कॉस एक्स माइनस अल्फा बाई टू अपॉन में साइन एक्स प्लस अल्फा बाई टू साइन एक्स माइनस अल्फा बाई टू,
ठीक है, चले आगे, ये कैंसिल हो गया इससे, राइट, क्या हो जाएगा, टू कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फा, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, कॉस अल्फा क्या होता है बेटा मेरा, कॉन्स्टेंट, डोंट से साइन अल्फा, अल्फा इज अ कॉन्स्टेंट, तो ये हो जाएगा एक्स कॉस अल्फा प्लस सी, ये आंसर है। होमवर्क ज्यादा बिल्कुल भी नहीं देंगे, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 20, बच्चा कहता है एक्स साइन अल्फा, बेटा कॉस अल्फा इज अ कॉन्स्टेंट, अगर मान लो 10 होता तो 10x ही तो लिखते, पॉइंट क्लियर बेटा, कॉस अल्फा एक नंबर है, इसे नंबर मान ले ना, मान लो 2, 3, 4 कुछ भी ले ले, 23, क्या चीज बेटा, ऑटोमेटिकली अल्फा कॉन्स्टेंट, यहाँ इंटीग्रेशन में एक ही वेरिएबल होता है, दो वेरिएबल का है ही नहीं, 24 बस, ज्यादा नहीं आज, फॉर एग्जाम्पल 7 का थर्ड पार्ट कर लिया था, चलो सही है, एंजॉय योर डे बडी, मिलते हैं आपसे, बाय।